नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र। आप सभी का स्वागत है कोड एल्गो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी क्लास हमें किसी भी डिवाइस का साइज का इंफॉर्मेशन, ओरिएंटेशन का इंफॉर्मेशन और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको पहले दिखाऊंगा साइज की, मीडिया क्वेरी से साइज को हम कैसे कंट्रोल करते हैं और मीडिया क्वेरी साइज हमें कैसे फिजिकल डिवाइस की साइज रिटर्न करती है, देती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्कैफोल्ड है मेरे पास, मैं बॉडी लेता हूँ, इसमें मैं रो लेता हूँ। रो में एज यूजुअल चिल्ड्रेन रहेगा। चिल्ड्रेन में मैं कंटेनर लेता हूँ, मैं दो कंटेनर लेता हूँ। मैंने कंटेनर ले लिया। अब मैं इस कंटेनर को एक विड्थ देता हूँ 100 का, और इसको मैं डेकोरेट करता हूँ ताकि इसको मैं कलर दे सकूँ। तो डेकोरेशन में बॉक्स डेकोरेशन जाएगा। बॉक्स डेकोरेशन में मैं कलर पास करूँगा, कलर्स डॉट पर्पल। आप यहाँ पर देख सकते हो पर्पल कलर में हमारा ये कंटेनर बन के आ गया है और इसकी विड्थ हमने 100 दे रखी है। अब हम सेकेंड वाले कंटेनर को भी एक विड्थ असाइन करते हैं। इसको भी मैं अभी 100 देता हूँ। डेकोरेशन मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े। कलर को मैं येलो कर देता हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये आप देख सकते हो दोनों कंटेनर मेरे पास हैं। मैं कॉन्स लगा देता हूँ यहाँ पर ही ताकि वार्निंग और डिसअपियर हो जाए, वार्निंग चला जाए। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए मेरे पास रो है, तो रो में मैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट ले लेता हूँ और ये स्पेस अराउंड ले लेता हूँ, सॉरी स्पेस अराउंड नहीं, स्पेस बिटवीन ले लेता हूँ। दोनों अलग अलग कर देते हैं, एक लेफ्ट में आ गया, एक राइट में आ गया। ठीक है, मेरे पास दोनों कंटेनर बन के आ गए। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि हमें विड्थ कैसे देना है। ठीक है, अभी तो विड्थ मैंने हार्ड कोड कर रखा है। अब मैं मीडिया क्वेरी क्लास को कॉल करता हूँ। तो एक मैं वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ मीडिया क्वेरी, और यहाँ पे लिखता हूँ मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो दिस इज द लाइन, दिस इज द मेन लाइन। ये लाइन है जो हमको पूरे डिवाइस की इंफॉर्मेशन देती है, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो ये लाइन से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मीडिया क्वेरी में इन्फॉर्मेशन आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे विड्थ देना है, तो मैं क्या करूँगा, मीडिया क्वेरी डॉट साइज डॉट विड्थ। ये विड्थ हो गई। ठीक है, अब मैं कितना विड्थ दे देता हूँ इसको, मैं इसको दे देता हूँ 50% विड्थ, डिवाइस की 50% विड्थ मैंने दे दी। ठीक है, यहाँ पर आ गया इतना। सेम मैं कॉपी करता हूँ और अपने दूसरे कंटेनर में देता हूँ। ये देखो आप 50% विड्थ दोनों को असाइन हो गए, दोनों कंटेनर को। अब मान लो मैं एक को कम कर देता हूँ 30% कर देता हूँ और एक को 70% कर देता हूँ। ये 30% पे आ गया, ये 70% पे आ गया। एग्जैक्टली हाइट के साथ भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। तो हाइट में ले लेता हूँ मीडिया क्वेरी डॉट साइज डॉट हाइट, और मान लो कि मैं डिवाइस का हाइट देता हूँ इसको 0.5% दे देता हूँ। तो ये देखो ये बीच में आ गया। अब अगर मैं क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट को स्टार्ट कर देता हूँ तो ये ऊपर चला जाएगा। अब देखो आप 50% हो गया, ये 50% स्पेस यहाँ पर खाली है। तो हमें हाइट भी मिल गई और विड्थ भी मिल गई, और ये मिली हमें कहाँ से, मीडिया क्वेरी से। और अगर आप ये देखोगे कि अगर यही चीज, सेम चीज को मैं अगर ब्राउजर पे रन करता हूँ, मैं अगर इसको क्रोम पे रन करता हूँ, तो आप वहां पर भी सिमिलरली यही चीज देखोगे। देखा आपने यहाँ पर क्या हुआ, 70% हमने इसको दिया है। मैं फुल कर देता हूँ, 70% मैंने इसको दिया है। 70% इसने विड्थ ले ली, 30% इसने विड्थ ले ली, और हाइट के केस में मैंने 50% असाइन किया, तो 50% विड्थ ले ली, हाइट ले ली, सॉरी 50% हाइट ले ली। तो ये चीज़ हमारा डिवाइस की फिजिकल विड्थ और हाइट प्रोवाइड कराता है। आप देख लो बढ़ घट रहा है जैसे जैसे मैं इसको
छोटा बड़ा करना हो, ठीक है। तो ये हमें बड़ा ही यूजफुल होता है फिजिकल डिवाइस की विड्थ हाइट प्रोवाइड कराने में मीडिया क्वेरी क्लास। तो ये चीज़ हो गई हमारी साइज का, साइज के कॉन्टेक्स्ट में जो था वो ये था। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग बताता हूँ कि ओरिएंटेशन हमें डिवाइस की कैसे मिलती है मीडिया क्वेरी के थ्रू। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे जो भी रिटर्न हो रहा है स्कैफोल्ड, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं फिर से लिखता हूँ रिटर्न स्कैफोल्ड, ठीक है। और इसके अंदर में चाइल्ड रहेगा, सॉरी बॉडी रहेगा, और बॉडी में मैं एक लूंगा, यहाँ पर बॉडी में मैं लूंगा बिल्डर। आप ओरिएंटेशन बिल्डर भी ले सकते हैं, मैं उसको भी इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा आपको। बिल्डर, बिल्डर के अंदर होता है बिल्डर, हमें रिटर्न करता है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसके अंदर हमें रिटर्न कराना है, रिटर्न नहीं कराते हैं, पहले पहले काम करते हैं, कंडीशन लगाते हैं कि इफ अगर हमारा जो मीडिया क्वेरी है इसका ओरिएंटेशन निकालते हैं कि मीडिया क्वेरी डॉट ओरिएंटेशन इज इक्वल इक्वल टू ओरिएंटेशन डॉट पोर्ट्रेट, अगर ये मिलता है तो क्या रिटर्न कराना है हमें। हम रिटर्न कराएंगे एक विजेट जिसका नाम रख लेते हैं पोर्ट्रेट, सॉरी पोर्ट्रेट विजेट, ठीक है। ये हमने कर लिया। एल्स के केस में, मतलब अगर हमारा लैंडस्केप होता है तो इस केस में हम क्या रिटर्न कराएंगे, एक दूसरा विजेट जिसका नाम रखेंगे लैंडस्केप विजेट, ठीक है। अब इन दोनों को जनरेट कर लेते हैं, क्रिएट मेथड पोर्ट्रेट विजेट हमने क्रिएट कर लिया। सिमिलरली हम लैंडस्केप विजेट को भी क्रिएट कर लेते हैं, हमने क्रिएट कर लिया दोनों। अभी विजिट टाइप का रिटर्न कर रहे हैं तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा विजिट रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं कंटेनर, ठीक है। कंटेनर को कुछ विड्थ हाइट दे देते हैं। विड्थ हम कहाँ से देंगे, हम यहाँ जब कॉल कर रहे हैं तो कॉल करते टाइम ही हम मीडिया क्वेरी का साइज रिटर्न कर देंगे, सॉरी प्रोवाइड करा देंगे इस मेथड को मीडिया क्वेरी डॉट साइज, और इसको हम रिसीव कर लेते हैं साइज साइज में, ठीक है। साइज साइज, ठीक ना हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे विड्थ हमको देना है, तो फॉर एग्जाम्पल विड्थ हम क्या देते हैं, जो हमारे पास साइज है साइज डॉट विड्थ, इसका 80% दे देते हैं, ठीक है। सिमिलरली हाइट दे देते हैं, हाइट साइज डॉट हाइट, इसका 40% दे देते हैं, हाइट का भी 80% दे देते हैं, ठीक है। अब डेकोरेशन कर देते हैं, कलर दे देते हैं कुछ, ताकि हमें ये समझ में आए, बॉक्स डेकोरेशन और कलर, कलर हम क्या देते हैं कलर्स डॉट पर्पल, इस केस में हम पर्पल देते हैं, ठीक है। सेम चीज मैं उठ के लैंडस्केप में भी दे देता हूँ, केवल कलर चेंज कर देता हूँ, पर्पल के बजाय येलो कर देता हूँ, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ये देखो हमारा ये पोर्ट्रेट मोड में है, तो पोर्ट्रेट मोड बन के आ गया। इसमें मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट भी दे देता हूँ। तो कंटेनर के अंदर मैं एक और विजेट लेता हूँ, चाइल्ड लेता हूँ, चाइल्ड में टेक्स्ट विजेट, और टेक्स्ट विजेट में क्या दे देते हैं पोर्ट्रेट, थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं, जिसमें कलर होगा कलर ले लेते हैं कलर्स डॉट वाइट, फॉन्ट साइज ले लेते हैं, फॉन्ट वेट ले लेते हैं, ये चीज हो गया। क्या करते हैं हम इसको कर देते हैं कांस्टेंट, ताकि ये वार्निंग हटाई जा सके। ओके ये हो गए। अब हम इस टेक्स्ट को रैप कर देते हैं सेंटर से, सेंटर में आ गया। अब ये कांस्टेंट यहाँ नहीं लगेगा, इस पर अप्लाई होगा। और सिमिलरली हम कंटेनर को भी सेंटर से कर देते हैं रैप, ताकि वो सेंटर में आ सके, सेंटर में आ गया, ठीक है। अब यही चीज हमें पूरा टेक्स्ट में उठाता हूँ चाइल्ड, और ये मैं इस कंटेनर में भी पास कर देता हूँ लैंडस्केप के केस में,
ठीक है, कुछ मिस हुआ है, देख लेते हैं क्या मिस हुआ है। ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं लैंडस्केप। ठीक, और इसका कलर बदल देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं, येलो पे व्हाइट दिखेगा नहीं अच्छे से, कॉन्स्टेंट, ताकि वार्निंग ना आए। ये चीजें हो गई, डन हो गई। आप क्या करते हैं, इस कंटेनर को भी मैं सेंटर से रैप कर देता हूँ। अब ठीक है, अब इसको एक बार हॉट रिस्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। तो ये तो मेरा पोर्ट्रेट मोड है, डिटेक्ट करके बता भी रहा है पोर्ट्रेट मोड, तो मैं इसको भी लैंडस्केप में करता हूँ और देखते हैं इसको। ये देखो आप, लैंडस्केप आ गया। ठीक है, अब मैं इसको फिर से पोर्ट्रेट में करता हूँ, ये उल्टा मैंने कर दिया। हाँ ये ठीक है, पोर्ट्रेट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो गई पोर्ट्रेट लैंडस्केप, ये मीडिया क्वेरी के थ्रू हो रहा है। ठीक है, मीडिया क्वेरी का हम यूज करके इसे कर रहे हैं। अब क्या कह रहा था मैं, मैंने कहा था कि मैं आपको बिल्डर बताऊंगा कि यहाँ पे आप बिल्डर भी यूज कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप ओरिएंटेशन बिल्डर भी यूज कर सकते हो। तो मैं बॉडी लेता हूँ और ओरिएंटेशन बिल्डर लेता हूँ, ओरिएंटेशन बिल्डर मेरा बिल्डर रिटर्न करता है। ठीक है, और ये रिटर्न करता है बिल्डर कॉन्टेक्स्ट और ओरिएंटेशन। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, और यहाँ पे ये पूरा मुझे ऐसे एज इट इज चाहिए, सॉरी ये पूरा ऐसे चाहिए मुझे। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसको पोर्ट्रेट में है, इसको लैंडस्केप करके देख लेते हैं, लैंडस्केप आ गया। तो आप दोनों यूज कर सकते हो, आप चाहो तो बिल्डर यूज करो और आप चाहो तो ओरिएंटेशन बिल्डर यूज करो, आप दोनों यूज कर सकते हो। ओरिएंटेशन बिल्डर में हमें ओरिएंटेशन मिल जाता है, तो हमें मीडिया क्वेरी डॉट ओरिएंटेशन लिखने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। दोबारा फिर से रन कर देता हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।